हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ। मैं लाया हूं ये चौथा और आखिरी सेशन यूक्रेन वॉर इस टॉपिक पे। दिस इज अ कंक्लूडिंग सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे कि ये जो वॉर है ये हमारे लिए क्या मैसेज लाया है, क्या संदेश लाया है। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करें। द ओनली थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप छत्रपति शिवाजी और मुगल दिल्ली सल्तनत इनकी बात कीजिए, आप अमेरिका और वियतनाम की बात कीजिए, आप अमेरिका और अफगानिस्तान की बात कीजिए, एक चीज हमको ध्यान में आती है। जब एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब एक बहुत छोटी पावर है डेविड और एक बड़ा पावर है गोलियथ। एसिमेट्रिक होने के बावजूद ऐसा जरूरी नहीं होता कि बड़ा पावर हमेशा जीतता है। रशिया कितना भी ताकतवर हो, आज रशिया को यूक्रेन में बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसमें तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी है, एक टेरेन, दूसरा फियर और तीसरा नैरेटिव्स। ज्योग्राफी या टेरेन, इसका बहुत इंपॉर्टेंस वॉरफेयर में होता है। आप चाणक्य की किताब देखिए, उसमें भी चाणक्य यही कहते हैं कि जिसको ज्योग्राफी समझ में नहीं आता है, टेरेन पे अगर आप ध्यान नहीं दो तो आप जीत नहीं सकते। आज रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रासपुतित्सा वहां पे बर्फ पिघल रही है, रशियन टैंक्स फंस रहे हैं। तो रशिया को जो लगा था कि जल्दी से जाके वो जीत जाएंगे, तो वो नहीं हो रहा। दूसरा फियर, फियर और नैरेटिव से साथ में जाते हैं कि किस तरह की इमेज आप खुद की बनाते हो। क्या आप साइकोलॉजिकली आपके ओपोनेंट पे हावी हो सकते हो? छत्रपति शिवाजी की अगर स्टोरीज आप देखें तो छत्रपति शिवाजी इतना छोटा उनका किंगडम था स्वराज, अगर मुगल से कंपेयर करें तो बहुत बहुत ज्योग्राफिकली बहुत छोटा किंगडम था शिवाजी के पास, लेकिन फिर भी जो एक डर बैठा हुआ था पूरे मुगल सल्तनत में, पूरे औरंगजेब की सेना में, औरंगजेब में खुद, तो ये जो डर था ये किस वजह से था? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नैरेटिव्स, स्टोरीज, ये शिवाजी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो ये लेसन है हिस्ट्री में जो हम सीख नहीं रहे। दुनिया में बड़ी बड़ी पावर्स इसको नजरअंदाज करते हैं और फिर हारते हैं। दूसरा, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, ये आपकी ताकत को एम्पलीफाई कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। भले ही आज इंडिया मिलिटरीली चाइना से पूरी तरह बराबर ना हो, लेकिन फिर भी हमारा एटीट्यूड, हमारे नैरेटिव्स, हमारी स्टोरीज और किस तरह हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी पावर मल्टीप्लाई करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वॉर या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम। द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। देखिए, पहले जो वॉर्स होते थे वो टेरिटरी को लेके होते थे, बाद में वॉर्स ऑयल को लेके होने लग गए, आज डेटा ये रिसोर्स बन चुका है। लेकिन फिर भी इतना सब बदलने के बाद भी दो चीजें सामने आती है, रिसोर्स इज द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। आप देखिए, यहां पे भी रशिया चाहता है, यूक्रेन इज रिच इन रिसोर्सेस, तो ये जो रिसोर्स बेस है इसका अट्रैक्शन भी रशिया को है। और दूसरा लेसन जो हमको ये मिलता है कि लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब रशिया को जो लगा था कि हम ज़ेलेंस्की डर जाएंगे और हम हमारी मिलिट्री अटैक से सब लोग भाग जाएंगे, लेकिन वहां के जो आम जनता है, वहां के जो लोग हैं, उन्होंने भी रशिया को रेजिस्ट किया है। तो ये लोगों की जो ताकत है वही आप अफगानिस्तान में देखा है, हमने वियतनाम में देखा है। तो लोग, जो आम जनता है, इनका एटीट्यूड, इनका रेजिस्टेंस, जब तक आप इनको नहीं जीत सकते, लोगों को नहीं जीत सकते, तब तक आप मिलिट्री या टेरिटरी होल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्जेंस ऑफ द न्यूक्लियर वर्ल्ड। ये कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद क्या होगा? ये जो ग्रीन एनवायरमेंटल एजेंडा है, मुझे डर है कि ये एजेंडा बैकसीट पे चला जाएगा। आज दुनिया में आप देख रहे हैं कि दो या तीन ग्रुप्स बन रहे हैं, एक तरफ रशिया है, चाइना है, इंडिया जैसी कंट्रीज न्यूट्रल है, काफी छोटी मोटी कंट्रीज है जो इंडिया जैसे न्यूट्रल है, उसके बाद यूरोप है और अमेरिका है जो एक साइड में है। तो ऐसे डिवाइडेड सिनारियो में एनवायरमेंट जैसा टॉपिक कि जहां पे सबको एक साथ आना पड़ता है, खुद के नैरो इंटरेस्ट्स पीछे रखने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और फिर सबका सोचना पड़ता है, तो ये हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ग्रीन या एनवायरमेंटल एजेंडा ये थोड़ा बैकसीट पे चला जाए। उसके बाद न्यूक्लियर पावर ये और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की जो स्टोरी है कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए थे, तो अब जिनके पास है वो उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और जिनके पास नहीं है तो हो सकता है वो कंट्रीज भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लास्टली, कौटिल्य की जो राजमंडला थ्योरी, कि आपको अगर एक फ्रेमवर्क चाहिए इस पूरे सिचुएशन को देखने के लिए, उन्होंने तीन वर्ड्स दिए हैं उस थियोरी में। एक है अरी, मतलब एनिमी, दूसरा है मित्र जो फ्रेंड होता है, और उदासीन जो न्यूट्रल पावर होती है।
तो यहां पे आप देखते हैं कि रशिया का यूक्रेन ये अरी एनिमी है, चाइना मित्र जैसा बिहेव कर रहा है और इंडिया इज उदासीन अ न्यूट्रल पावर इन द लैंग्वेज ऑफ कौटिल्या। तो ये सिचुएशन भी, और जैसे इंडिया देखता है तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप, फिर चाइना के साथ मंगोलिया है तो मंगोलिया इज द फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो ये जो कहा जाता है कि एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड, तो दैट इज अ विजडम दैट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम कौटिल्यास अर्थशास्त्र। तो ये वैल्यू ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, ये जो थियोरी है राजमंडल, ये हमको सिखाती है कि हम अकेले हमारा नेशनल सिक्योरिटी या हमारे इंटरेस्ट ग्लोबली नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, हमको अलायंसेस की जरूरत है। तो इंडिया ने जब इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद जो स्टैंड लिया था नॉन अलाइनमेंट का, तो आज वक्त आ गया है कि हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करें। हम एक साथ क्वाड में भी हो सकते हैं, आरआईसी में भी हो सकते हैं, ब्रिक्स में भी हो सकते हैं, हम सेंट्रल एशिया में भी काम कर सकते हैं, हम अमेरिका के साथ काम करेंगे, हम रशिया के साथ और चाइना के साथ भी काम करेंगे। जहां जरूरत है हम इन सबसे अलग खुद का एक ग्रुपिंग बना के, जैसे सार्क है, बिम्स्टेक है, इसको लेके हम काम करेंगे। लेकिन ये जो मल्टी अलाइनमेंट है, यही यहां से आगे इंडिया की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, द जंगल ग्रोज बैक, रॉबर्ट कगान इन्होंने लिखी है। तो ये कहते हैं कि अमेरिका में ऐसा माना जाता है कि दुनिया जैसे एक अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन है, और इस गार्डन को अगर अमेरिका या ऐसा कोई पावर कंट्रोल नहीं करता है, उसका ध्यान नहीं रखता है, तो क्या हो जाएगा, इस अच्छे से गार्डन का जंगल बन जाएगा, देयर विल बी कैओस, और ये अच्छा नहीं है ऐसा उनको लगता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब भी ये कैओस बनता है, जंगल होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये यहां पे बिल्कुल ऑर्डर नहीं है। रादर आप अगर नेचर की बात करें तो नेचर में कितना भी आपको कैओस या डिसऑर्डर दिखे, एनार्की दिखे, बट देयर इज अ ब्यूटीफुल बैलेंस जो नेचर ने इतने सालों में परफेक्ट कर लिया है। जब गांधी जी बात करते थे विलेज रिपब्लिक्स की, कि ऐसा डेमोक्रेसी कि जहां पे पावर इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, कि सरकार का बहुत इंटरफेरेंस ही ना हो, तो ये क्या है फिर। गांधी जी भी इसी चीज की बात करते थे, नेचर में ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि नेचर इज कैओस या जंगल राज जो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जंगल में कुछ नहीं है, रादर जंगल ब्यूटीफुली बैलेंस्ड होता है। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है नेचर को एक गलत फोर्स मानने की, तो ये हमारी इंडियन फिलॉसफी नहीं है। इंडियन फिलॉसफी ये कहती है कि नेचर से हमने सीखना है, नेचर में जो परफेक्शन दिखता है, एक बैलेंस दिखता है, उस बैलेंस ये उस प्रिंसिपल्स को हमने सीखना है और हार्मनी से हमको जीना है। दोस्तों ये पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, टोपोफिला। ये जो टोपोफिला कॉन्सेप्ट है ये यूफू तुआन ने दिया था। ये कहते हैं कि ह्यूमंस को लोकेशन या स्पेस से लगाव होता है। तो आप देखिए जब हम जंगलों में थे ट्राइबल्स, तब भी हम जो झगड़ा होता था वो टेरिटरी पे होता था। और आज भी रशिया, इतना हम डेवलप होने के बाद, 21st सेंचुरी में आने के बाद भी अभी भी टेरिटरी को लेके झगड़े हो रहे हैं। तो कहीं तो ये जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी एंड अटैचमेंट टू स्पेस, ये ह्यूमंस में इनहेरेंट है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये जो नया ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये ऑर्डर नहीं, ये डिसऑर्डर माना जाता है। मैंने कहा अभी जंगल ग्रोज बैक, तो इनका जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो कहता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर होगा, हर जगह कैओस होगा, अनार्की होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जो अब तक रूल्स बिठाए वो रूल अब टूट रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ये अमेरिकन सिस्टम अगर डिस्प्लेस भी किया गया, अभी हमको दिख रहा है शॉर्ट टर्म में रशिया इज गेटिंग अग्रेसिव, चाइना इज गेटिंग अग्रेसिव, लेकिन बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में एक स्टेटस को अगर टूटा है तो नया स्टेटस को बनेगा, लेकिन ये जो ट्रांजिशनल पीरियड में हम है तो इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि नए रूल्स बन रहे हैं तो इससे थोड़ा फ्रिक्शन होने के चांसेस है। तो ऐसे वक्त इंडिया ने क्या करना चाहिए, इंडिया ने सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए। आज जो नई दुनिया बन रही है, जब ग्लोबल ऑर्डर रीशेप हो रहा है, रिस्ट्रक्चर हो रहा है, ऐसे वक्त इंडिया ने रूल्स बनाने में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्लोबल ऑर्डर में खुद का एक जगह होनी चाहिए जहां से हम रूल सेट करें बाकी लोगों के साथ मिलकर। तो दोस्तों लोग ये भी कहते हैं कि मल्टीपोलैरिटी आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मल्टीपोलैरिटी ऑलवेज डज नॉट मीन पीस। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो छोटे छोटे इश्यूज पे कंटेस्टेशन होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। बात ऐसी है कि इस डिसएग्रीमेंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मल्टीपोलैरिटी नीड्स मल्टी लैटरलिज्म। अगर मल्टीलैटरलिज्म नहीं होगा तो मल्टीपोलैरिटी थोड़ा डिस्टर्बिंग
कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड या डिसएग्रीमेंट वाला फेज हो सकता है। लास्ट में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है, दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं पहले, अब पैंडेमिक है, कोविड का पैंडेमिक होने के बाद भी आज भी दुनिया में लड़ाई हो रही है, तो अगर पैंडेमिक जैसी विपदा भी हमको एक साथ नहीं ला पाई तो फिर क्या हमको साथ में लाएगा एज ह्यूमैनिटी? क्या फिर से हमको कोई एस्टेरॉयड या कोई एलियन स्पीसीज की जरूरत है कि जिससे डर के फिर हम साथ में आएंगे? ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ग्लोबल पब्लिक गुड्स पे काम करने की जरूरत है। ये क्या हो सकते हैं, एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, क्लाइमेट के लिए काम करना क्योंकि वहां पे तो सबका इंटरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करना, एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर के लिए काम करना। तो ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स जहां पे हेल्थ सर्विसेस, बेसिक फैसिलिटीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, डिजास्टर मैनेजमेंट, पीस, इसके लिए सारे देशों में साथ में आके काम करने की जरूरत है। तो यहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और लास्टली एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमें अब ड्राइवरलेस कार्स की जरूरत है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन फैक्टर है जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बेवजह लोग मरते हैं रास्तों पे। तो अब हम कह रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार्स चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, पूरा ऐसा सिस्टम रहेगा जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। अब ये चीज अगर आप अप्लाई करें ग्लोबल ऑर्डर में, तो क्या हमको ऐसे इम्पर्सनल सिस्टम्स की या टेक्नोलॉजी की जरूरत है कि जहां पे जो वॉर हम रशिया में और यूक्रेन में देख रहे हैं, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, दुनिया में पीस रहे? क्योंकि ये जो वॉर है, ये वॉर पूरी दुनिया में एक आर्म्स रेस बनाएगा जहां पे लोगों का जो रिसोर्स है वो सब रिसोर्स डाइवर्ट किया जाएगा मिलिट्री की तरफ और सोशल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल मेरे मन में थे, आपसे मैंने डिस्कस किए, आप भी सोचिए। तब तक के लिए एक थॉट जो हमारे सिविलाइजेशन ने एक मैसेज दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमको हमेशा याद रखना है। ये मैसेज सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।